Hello everyone, welcome to Testbook Super Coaching, UGC NET YouTube channel. Myself Preeti, your UGC NET Paper 1 faculty. I hope everyone is fit and fine. तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज इग्नू और इसके अलग अलग जैसे कि ज्ञान वाणी, ज्ञान धारा या फिर ज्ञान दर्शन, ये डिफरेंट डिफरेंट जो ये इनिशिएटिव हैं या चैनल्स हैं, तो किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं. तो आज यहाँ पर ये छोटे से टॉपिक का हम लोग रिविजन करने वाले हैं, जो कि UGC NET के अंदर रिपीटेडली आप लोगों से पूछा गया और अपकमिंग एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा, जिसका PYQ भी मैं आप लोगों को सेशन के अंदर दिखाने वाली हूँ. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मेक श्योर मेरे टाइमिंग्स हैं फ्री क्लासेस के 3 PM मंडे टू फ्राइडे ऑन YouTube एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास रहता है ऐप के ऊपर. तो अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, देन डू द सेम एज अर्ली एज पॉसिबल. और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट PDF प्रोवाइड करती हूँ, नोट्स, PDF, जितने भी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम. सो यू कैन ज्वाइन द सेम, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, PDF, नोट्स, सब कुछ पेपर वन के रिगार्डिंग या जो भी अपडेट है वो सारा कुछ आपको मिलता रहे. और लेटेस्ट अभी जो ऑफर है, मदर डे सेल है, जिसमें आपको पता है कि 2 मंथ का आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. और 22 मई से हमारा क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, जिसमें हम रैपिड रिवीजन करेंगे. मेरा और तुलिका मैम का पेपर 1 का है, पेपर 2 के भी कोर्सेज पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है, उनके भी क्रैश कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. जिसके अभी 13 to 14 का जो ये लेटेस्ट ऑफर है, जिसमें 3519 के अंदर 2 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा और आप PTH कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑल्सो. सो लेट स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहली चीज आती है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इग्नू. तो इग्नू का फुल फॉर्म क्या, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये किसको टारगेट करती है सबसे ज्यादा, डिस्टेंस एजुकेशन के पर्पज को सॉर्ट आउट करने के लिए. ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इग्नू के थ्रू हम लोग ये चीजों को कवर कर सकते हैं. कहाँ पे सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली के अंदर. और नेम किया कब हुआ, आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1985 के अंदर. यूनिवर्सिटी का फर्स्ट कॉन्वोकेशन कब हुआ, ये माना जाता है 1989 के अंदर. आपकी ये जो यूनिवर्सिटी है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था, वो कौन सा एक्ट था, इग्नू एक्ट 1985. तो याद कैसे रखेंगे आप लोगों को, देखो इग्नू के अंदर कितने लेटर हैं, 5 लेटर है, तो 1985, ठीक है, लास्ट में देख लेना 5, अगर आपको थोड़ा सा तो देखो याद करना पड़ेगा, है ना. अब मान लिया आपको 1985 दे दिया, अभी आपका 2022 में वो क्वेश्चन आया था इग्नू कब स्थापित किया गया, 86 है, 87 है, तो आप 5 लेटर से ये एलिमिनेट कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शन है, ठीक है. तो इग्नू एक्ट 1985 के तहत ये बना था. अगला, जैसे कि मैं बता चुकी, 1989 के अंदर इसका फर्स्ट कॉन्वोकेशन हेल्ड हुआ था, जिसमें मोर देन 1000 स्टूडेंट्स क्या थे, इंक्लूडेड थे, और उनको ग्रेजुएट्स थे या फिर उनको डिप्लोमा प्रोवाइड किया गया था. इग्नू ऑडियो वीडियो कोर्सेज वर द फर्स्ट ब्रॉडकास्ट बाय रेडियो एंड टेलीविजन इन 1990. जो रेडियो या ऑडियो वीडियो कोर्सेज हैं, ठीक है, उनको पहले सबसे पहले ब्रॉडकास्ट कब किया गया था, 1990 के अंदर. और इग्नू ने जो डिग्री अवार्ड करना शुरू किया था विद फुल रिकॉग्निशन, वो था 1992 में. मैं हायरार्की बता देती हूँ आपको, 1985 में ये क्या हुई, एस्टेब्लिश हुई. 1989 के अंदर इसका क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्वोकेशन हुआ, ठीक है. उसके बाद 1919 के अंदर इन्होंने फर्स्ट क्या किया, अपना ब्रॉडकास्ट किया बाय रेडियो टेलीविजन, ठीक है. आफ्टर दैट इसके 2 साल बाद 92 के अंदर आपका जो फुल रिकॉग्निशन, ठीक है, इसको क्या मिला, फुल रिकॉग्निशन मिला. और डिग्री को इसने अवार्ड करना, फुल रिकॉग्निशन किसे, UGC से, और डिग्री को क्या करना, अवार्ड करना शुरू किया. देन 1999 के अंदर इनका फर्स्ट क्या हुआ, वर्चुअल कैंपस बिगिन हुआ, ठीक है, विद द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस कोर्सेज वाया द इंटरनेट. और 2011 तक इन्होंने 3 मिलियन स्टूडेंट्स को इंडिया के अंदर क्या किया है, एटलीस्ट सर्व किया है. अब सबसे अमेजिंग चीज यहाँ पे क्या निकल के आते हैं, मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. ये देखो 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास 4 चीजें इग्नू की पूछी जाती हैं. 1 इज योर ज्ञान धारा, 1 है आपका ज्ञान वाणी, और नेक्स्ट है आप लोगों का ज्ञान दर्शन, ठीक है, और एक आता है सिंपल आपका ज्ञान, ठीक है, ई ज्ञान कोश आता है, ई ज्ञान कोश,
आते हैं चार, धारा आपका कब आया है? 2016 में। और ये क्या है? इंटरनेट रेडियो काउंसलिंग। ठीक है, इंटरनेट पे वैसे भी हर चीज का क्या मिलता है आपको? फ्लो मिलता है, बहुत इंफॉर्मेशन, इतनी धारा बही पड़ी है इंफॉर्मेशन की, कितनी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ज्ञान धारा 2016 में। वाणी आपका कब आया? 2001 के अंदर। वाणी में हम रेडियो के अंदर क्या सुनते हैं? FM रेडियो चैनल। ठीक है, कोश के अंदर क्या है? ये रिसोर्सेज है। यहाँ पर क्या है? रिसोर्सेज। और ये आया आपका 2005 के अंदर। और दर्शन, ठीक है, सॉरी दर्शन मैंने उल्टा लिख दिया, ये ई ज्ञान दर्शन है। तो दर्शन आपका 2000 में आया है ये। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, दर्शन आपका कब आया है? 2000 के अंदर आया है। वाणी आपका 2001 के अंदर आया है। और ज्ञान धारा आपका 2016 के अंदर आया है। और ई ज्ञान कोश, ठीक है, जो रिसोर्स कोश का मतलब क्या होता है? जहां पे कुछ चीजें कलेक्शन हो रखी है। तो ज्ञान कोश आपका क्या है? 2005 के अंदर, राइट। तो ये आपका इंटरनेट रेडियो काउंसलिंग है, ये आपका FM रेडियो है, दर्शन आपका टीवी, टीवी के ऊपर दर्शन करते हैं, तो ये आपका क्या है? एजुकेशनल चैनल है। और कोश का मतलब जहाँ पे रिसोर्सेज आपके क्या हो, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज हो आपके कलेक्टिवली। तो अब आज का आप लोगों का होमवर्क यही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क? ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाणी, ज्ञान धारा, ज्ञान। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। सारे स्टूडेंट इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। सो आई होप दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज वेरी इन्फॉर्मेटिव और आप लोगों को काफी बेटर लगा है। और ये रिवीजन छोटे छोटे हम करते रहेंगे टिल एग्जाम। तो होमवर्क, सारे स्टूडेंट अपना आंसर पोस्ट करिएगा, सेशन को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं देन इसी तरीके के शॉर्ट वीडियोस प्लस सेशंस के लिए डू सब्सक्राइब द सेम। और इसको अपने नोटबुक के अंदर, शॉर्ट नोट्स के अंदर जरूर एड कर लेना। कम से कम 5-6 शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो एक एक लाइन पे क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन विद इन हमने अंडर 5 मिनट ये चीजें कवर कर लिया है। So keep revising, keep practicing. Thank you so much once again.